हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है, क्योंकि आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स। ये किसी प्रकार का रील्स हो सकता है। कैसे रील्स आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये शॉर्ट्स वीडियो कैसे आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा हम सब आज गहन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम सब जानेंगे कि इस सोशल मीडिया के लत से कैसे बाहर निकलना चाहिए, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक विद्यार्थी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, ठीक है। पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं उस जनरेशन से देखते आया हूँ कि कहाँ पे क्या क्या गैप हो रही है, ठीक है। वर्तमान में बात करें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुका है। क्या दिक्कत है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम सब बात करते हैं रील्स की। रील्स वर्तमान में सबसे ज़्यादा हावी है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इसके अलावा और भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वहाँ पे सिर्फ रील्स रील्स और रील्स दिखता है, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का रील्स है या शॉर्ट्स वीडियो है। शॉर्ट्स वीडियो मतलब क्या होता है, जो एक मिनट तक हो, ठीक है। आपको एक मिनट में तुरंत डाटा आपके दिमाग में जाता है, फिर अगले मिनट आप स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। देखिए, स्क्रॉलिंग एक बीमारी है। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे हम चेक करे जा रहे हैं, खुद खुश होए जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और टाइम इतना जल्दी निकलते जाता है। आप एक रील्स देखने बैठते हैं, बस आपका पूरा 3 से 4 घंटा वेस्ट हो जाता है, फिर खुद को गिल्टी महसूस करवाते हैं कि हमसे गलती हो गई। लेकिन आप रील्स के दुनिया में गए क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों गए। देखिए, कोई व्यक्ति रील्स कंटेंट जो बनाता है वो क्यों बनाता है, ताकि लोग उससे प्रभावित हो। अब वो कंटेंट बनाने के लिए, वर्तमान में ये सच बात है कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, वो अपने स्तर को बहुत गिरा लिए हैं। हमारा भारत ऐसा नहीं था जैसा अभी दिख रहा है आपको। हमारे भारत में ऐसे शूरवीर पैदा हुए हैं जो बहुत ऊंचाई पे छुए हैं, ठीक है, आसमान को छुए हैं। लेकिन वर्तमान में आप देखें, हम देखें बहुत सारा यूथ क्या करता है कि व्यूज़ के चक्कर में गर्ल्स का यानी फीमेल का क्लॉथ पहन करके मेल्स जो है वो रील्स बनाता है। आप समझ सकते हैं इसका स्तर, समझ सकते हैं कितना गिरा हुआ है, कैसे गिरते जा रहा है हमारा भारत। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रील्स व्यूज़ पाने के लिए लोग कुछ भी कर रहा है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। सुबह उठ के रील्स बना देता है, सुबह उठेगा, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप वही देखते हैं, दिन भर देखते रहते हैं। उससे आपको कुछ मिलेगा तो नहीं, ये बात तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप जब 35 की उम्र में चले जाएंगे तो फिर वही रील्स आपके साथ रहेगा, और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। A to Z सब आपका खत्म हो चुका रहेगा, क्योंकि आप सारा समय रील्स की दुनिया में व्यतीत कर चुके हैं। ये कड़वी बात है। कंटेंट बना रहा है वो व्यक्ति, आप उस कंटेंट को देख रहे हैं, उस कंटेंट को देखने से आपको 1% फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, और वो बेचारा पैसा कमाए जा रहा है और आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आपका दिमाग क्या होता है, बस डिस्ट्रैक्ट होते जा रहा है। अभी दिमाग पे भी आएंगे रील्स देखने से क्यों दिमाग ख़राब होता है, क्यों आपके दिमाग पे असर पड़ता है, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। तो आपको रील्स नहीं देखना चाहिए, यही मैं कहूँगा। रील्स पे स्टॉप कीजिए। अभी 5 नियम बताऊँगा रील्स को ना देखने के लिए। रील्स देखने के नुकसान क्या हैं, आपके दिमाग पे क्या असर पड़ता है। देखिए, सेरेब्रम से हम सब याद करते हैं। एक समझ लीजिए, एक गिलास पानी है, उसमें आप डाले जा रहे हैं पानी, पूरा भर गया, उसके बाद भी डाले जा रहे हैं, क्या उसमें पानी उतना रहेगा, नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप जब रील्स देखते हैं तो आप कंटेंट को अपने अंदर ला रहे हैं, और आप फिर ये सोचते हैं कि मैं किताब पढ़ूंगा तो GK GS याद हो जाएगा, मैथ्स बना लेंगे, साइंस बना लेंगे, बायो बना लेंगे। आप नहीं बना सकते, आप में पॉसिबिलिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप रील्स इतना ज़्यादा देख चुके हैं कि वही कंटेंट आपके दिमाग में घूमे जा रहा है, जिससे कि आप उसी कंटेंट को हमेशा दिमाग में चलाएंगे, और आप सोचेंगे कि इधर याद भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए याद नहीं होता है आप सबको कोई भी चीज़, कोई भी प्रश्न उत्तर याद नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन GK GS याद नहीं होता है, यही कारण है पहला। देखिए, अगर आप रील्स हमेशा देखते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे व्यतीत करेंगे, तो जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप देखते हैं, वो आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है घूमेगा। इसलिए आप ज़्यादातर टाइम किताब में लगाइए। किताब में लगेगा तभी जब आप रील्स को अलविदा कहिएगा, आप शॉर्ट्स वीडियो को नहीं देखेंगे। देखिए, एक मनुष्य का औसतन जो कंसंट्रेशन पावर है वो मात्र 8 सेकेंड रह गया है, ठीक है। और ये शॉर्ट्स आने की वजह से, चूंकि आप तुरंत स्क्रॉल कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पूरा शॉर्ट्स भी नहीं देखते होंगे, तुरंत स्क्रॉल कर देते होंगे, तो आपको यानी ये एडिक्शन हो गया है। इस एडिक्शन से बाहर निकलिए, ठीक है। नेचर है, नेचर में जाइए, प्रकृति को देखिए। आप अपनी ज़िंदगी को काटिए मत, अपने ज़िंदगी को जिया जाता है, आप ज़िंदगी को काट रहे हैं, सिंपल सा बात है।
तो जिंदगी को काटते रहिए, बच्चे से बूढ़े हो जाएंगे और आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जकड़ के रखा है आपको, आप एक सोफे से तक नहीं हिल पा रहे हैं, तो यानी आप बहुत ज्यादा लत में हैं। इवन आप बड़े हैं, बच्चे को तो समझाना ही बहुत बड़ा हो जाता है, बड़े लोग भी सेम काम कर रहे हैं सेम, तो उन सबका कुछ होने वाला नहीं है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो स्टूडेंट को कभी भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। बाकी जब आप काम अपना पूरा कर लेंगे फिर आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए और बाहर घूमिए, ठीक है। प्रकृति में घूमना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोज़ एक घंटा घूमिए, कोई गेम है तो आउटसाइडर गेम खेलिए, क्रिकेट फुटबॉल, अगर घर में ही है तो चेस खेलिए, पर मोबाइल पे नहीं, मंगवा लें उसको, उस पे खेलें, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके माइंड को शार्प करेगा। क्यों नहीं याद होता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा रील्स देख लेते हैं और आपको कुछ मिलता नहीं है। बहुत सारे रील्स वायरल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको एक तो गंदा कंटेंट बनाता है, गंदा कंटेंट इसलिए बनाता है क्योंकि उसमें कुछ दम रहता नहीं है, आपको सिखाने योग्य बात तो रहता नहीं है, ठीक है। आप उसी में खुश हो जाते हैं कि बहुत बड़ा दुनिया है रील्स का, बहुत कुछ कर लेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, बस गंदगी फैलाना उसका काम है, वो फैला के ही रहेगा, ये बात जान। अगर आपको सच में एजुकेशन में कुछ करना है तो आपको रील्स नहीं देखना है, एक भी रील्स देखना बंद कीजिए। आप एक वीक ट्राई करके देखिए, आप देखिएगा कितना ज़्यादा आपको याद रहता है अपने सिलेबस का, बहुत ज़्यादा आपका माइंड शार्प हो जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से आप जो है याद करना सीख जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ये रील्स आपको कुछ सिखा नहीं रहा है, आपको बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अगर इससे अभी आप बाहर नहीं निकलेंगे तो ये वीडियो 5 साल बाद भी रहेगा, आप 5 साल बाद जब देखेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा। इससे निकलने का मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के मोबाइल आपको नहीं देखना है, ना रात में रील्स देखना है, ठीक है। सुबह उठ के पानी पी करके सीधा आप टहलने जाएं, घूमने जाएं, एक घंटा घूम के आएं, ठीक है। और पहला जो महत्वपूर्ण काम करना है, मतलब जब आप शेड्यूल अपना फिक्स करते होंगे पढ़ाने का टाइम टेबल, तो मोबाइल पे जो ऑनलाइन क्लासेस होता है उसको बाद में देखा कीजिए, रात में देखा कीजिए, यानी शाम में 3 से 4 बजे के बाद देखा कीजिए। फर्स्ट टाइम जो होता है उसमें आप ऑफलाइन पढ़ा कीजिए, उससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होगा और याद रहेगा, ठीक है। और सेकेंड आवर में यानी 3 बजे के बाद तब जा करके आप मोबाइल का यूज़ किया कीजिए अपने पढ़ाई के दौरान में, और पढ़ाई करके रख दीजिए। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं तैयारी कीजिएगा तो बहुत कम वैकेंसी रहती है और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहता है, सिंपल सा बात है, आपको वैसे भी नौकरी नहीं मिलेगा और आप बस हम रील्स ही देखते रहेंगे और बस रील ही देखते जाएंगे। इसलिए आप इतना बात मेरा समझ लीजिए, ये बहुत ही कड़वी बात मैं बोल रहा हूँ। तो एक तरफ आपका है 8-9 सेकेंड का रील्स और दूसरी तरफ है आपका करियर, आपका जॉब, अब चूज़ आपको करना है। मुझे समझाना था क्योंकि एक शिक्षक के नाते सिर्फ यही नहीं होता है कि किताबी भाषा समझा दें, आपको दूसरे से बात भी समझाना पड़ता है। तो रील्स ना देखें, बहुत मतलब बहुत ख़राब स्थिति है मोबाइल का, सबका गर्दन झुका हुआ है, कोई काम नहीं करता है। ये नहीं कि प्रकृति में घूमें, गार्डन देखें, गार्डन में थोड़ा पौधा लगा दें, कुछ हॉबी है तो उसको कर लेते हैं, कुछ नॉवेल का बुक पढ़ लेते हैं, या फिर मोबाइल पर देख ही रहे हैं तो कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं ना। 8-8 सेकेंड का वीडियो देखने से क्या मिलने वाला है, एक तो एक से एक कलाकार आता है, कोई मैयत का वीडियो बना रहा है, कोई शादी का वीडियो बना रहा है, वही आप देख रहे हैं, कोई खा रहा है तो उसका वीडियो देख रहे हैं, मतलब क्या हो गया है आप सबको। थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, अगर आपको सच में जॉब चाहिए, सब सच में अच्छा नौकरी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको रील्स की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के लिए सुबह से शाम तक आप मेहनत करें, ऑफलाइन क्लासेस जो है वो आप सुबह कर लें, और ऑनलाइन अगर क्लास करते हैं तो वो 3 बजे के बाद उसका प्रोग्राम शिफ्ट कर दें। सुबह एकदम अपने अकेले रहें, मोबाइल ऑफ कर लें, अकेले रहें, घूमें और पढ़ाई करें, ठीक है, तब जाकर के आप पढ़ाई कर पाएंगे। और मोबाइल साइड में रख करके पढ़ाई करते हैं तो फिर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, वो फिर नौटंकी चल रहा है, ठीक है। और ये नौटंकी ही आपको बहुत ज़्यादा बाधा डालेगा आपके एग्ज़ाम में, और आप एग्ज़ाम निकालने के लिए एबल नहीं होंगे, बस मुझे ये बात समझाना था। और बाकी गार्जियन को तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि गार्जियन ही वैसा ही है आजकल का, जितना भी गार्जियन है, माता पिता छोटे छोटे बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, बस फ़ोन लगा रहता है बच्चा, रील्स देखता है, माता पिता खुश होते हैं। एक माता पिता बोल रही थी कि मेरा बच्चा स्किप कर लेता है ऐड को, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया, स्किप कर लिया ऐड को, तो ठीक है। तो आप माता पिता का तो 100% गलती है ही, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, जब बीमारी हो जाता है बच्चे के माइंड में तब जा करके समझ में आता है। पर आप सब स्टूडेंट हैं, आप सब बड़े हैं खुद, और आप सब भी उसी लत में हैं, तो फिर किसको समझाया जाए, आप यही समझ लीजिए। तो प्लीज़ आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, फोकस्ड वे में पढ़ाई कीजिए,
एग्ज़ाम निकलेगा, एक साल देख करके देखिए, डिसिप्लिन में रहिए, फिर आप रील्स ही रील्स दिखेगा, फिर आप एक साल बाद पागल हो जाइएगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अभी आप, इंपॉर्टेंट बात है, आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। चलिए, इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद हो, जेन्युइन रूप से मेरी सोशल मीडिया वाला वीडियो पसंद हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते इस पेंगुइन को देखिए, अंटार्कटिका में पाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। तो आप नेचर में रहिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।